हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप गाइस। आई एम हिमालयन वुल्फ। तो आज हम आपको, जैसा कि आप लोगों ने टीज़र देखा होगा हमारा, कि जिसमें अजमेर और पुष्कर का जो मेन है वो, उसके बारे में बताया। तो आज पूरा आपको दिखाएंगे वही, पुष्कर की घाटियाँ, पुष्कर का मार्केट, सनसेट और ब्रह्मा टेम्पल। तो कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल हम निकल चुके हैं पुष्कर के लिए, तो पुष्कर करेंगे शूट पूरा, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि हम क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। आई नो कि जो अजमेर से हैं तो उनको ऑलरेडी वो चीज़ें पता होंगी, बट वो लोग जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं अजमेर से नहीं हैं और अजमेर ना आए हैं कभी, तो उनके लिए स्पेशली वो रहेगा ताकि मैं उनको दिखा सकूं वो सारी चीज़ें। मैं पूरा लेफ्ट से लेके यू टर्न लेके आऊँगा, उनको दिखाऊँगा आना सागर लेक भी। ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, आपको दिखाएंगे सब कुछ। तो ये हमारे राइट में है फिलहाल, और हम आगे से यू टर्न लेंगे तो वो चीज़ लेफ्ट में और क्लोज आ जाएगी, तो वहाँ से आपको दिखाऊँगा। फिलहाल मैं स्लो चला रहा हूँ क्योंकि विंड ब्लास्ट ना हो, और क्योंकि मैं वाइज़र बंद नहीं कर सकता। वाइज़र बंद करूँगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा। बाबा, ये हमने लिया यू टर्न, और ये है आना सागर लेक। ये है आना सागर लेक, और ये वैशाली वाले एरिया में है। तो अभी सारा ये चौपाटी वाला एरिया है, जो भी चौपाटी बना रखा है, और यहाँ से चौपाटी टू चौपाटी कनेक्ट कर रखा है ताकि आप वॉक कर सकते हो चारों तरफ। और बीच में इन्होंने एक कैफ़े बना रखा है, कैफ़े रेस्टोरेंट जो भी कह लो आप, तो बोट के ज़रिए वहाँ पे जाते हैं और बोटिंग भी करवाते हैं यहाँ पे। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, कि ये है सेकंड चौपाटी और वो सामने है फर्स्ट चौपाटी, तो ये एक दूसरे को कितना अच्छे से कनेक्ट करती है। और किसी को फ़ोटोज़ वगैरह लेने का शौक है अच्छी अच्छी तो ये एरिया बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। देखो यार कितना प्यारा माहौल है। तो बस इस ब्रिज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, और अभी फ़िलहाल यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे पुष्कर के लिए वो वाली राइड होते हुए। और अभी जस्ट फ़िलहाल यहाँ से बोट निकली थी तो आपको मैं दिखा सकता था वो, बट कैमरा ऑन नहीं था उस टाइम पे। और वो बोट गई है उसी कैफ़े पे जो मैं बता रहा था आपको पहले। तो वो एरिया से बोट स्टार्ट होती है, पूरा यूँ लेते हुए जाती है आपको उस कैफ़े तक। तो फिलहाल करते हैं यहीं पे ख़त्म, और हमारी पुष्कर वाली राइड को हम करते हैं कंटिन्यू, उसके बाद देखते हैं बीच में अगर कुछ आएगा तो और अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। तो हम चलेंगे अभी गाड़ी के पास में, और स्टैंड बाई गए हैं वो जो फर्स्ट वाली चौपाटी है उसका कुछ सिनेमैटिक लेने। हम उनका थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। गाड़ी हमने चाबी में लगा के रखा, नहीं चाबी हमने गाड़ी में लगा के रखा, कुछ भी बोल रहे हैं भैया। हम निकल चुके हैं वापस पुष्कर के लिए, जो कि मैं तब से कह रहा था कि बस निकल रहे हैं। और चौपाटी वगैरह को शूट करने में टाइम लग गया, सिनेमैटिक्स में टाइम लग गया थोड़ा। अब आपको दिखाते हैं अजमेर। आप यहीं से बाइक से एंजॉय कीजिए, क्योंकि जो भी अजमेर से पुष्कर को ऐसे कनेक्ट कर दी है रोड, उसके ऊपर ही हम हैं, तो वहाँ की जो व्यूज़ आएंगे वो आप इंजॉय करो। बाकी मेन मैं पुष्कर में जब एंट्री करूँगा तो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दिखा दूँगा। हमने कर लिया वाइज़र क्लोज, और आई होप कि अब आवाज़ बहुत अच्छी आएगी और मैं भी बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगा। पहले हम ले लेंगे एक पानी की बोतल, क्योंकि बोलते बोलते थक
थक जाते हैं हम, और ये भैया आ जाते हैं ऐसे हाथ दिखाकर। वेदर देखो यार आप, क्या साथ दिया वेदर ने आज हमारा। थोड़ा ठंडा भी है और थोड़ा क्लाउडी भी है, और ये बहुत अच्छी बाइक जाती हुई टीवीएस की। इस टीवीएस की बाइक को देख के मुझे कार्त भाई की याद आई है, कार्तिक जो भी उनका नाम है, जो लद्दाख गए थे आयुष भाई के साथ में, और मैंने जयपुर तक उनको सी ऑफ किया था। उनके पास भी सेम बाइक है, तो वो बंदे भी बहुत अच्छे हैं यार। उनसे भी मैंने ये व्लॉगिंग लाइफस्टाइल करने से पहले, व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले, उनसे मैंने बाइक के एसेसरीज को लेके काफ़ी सजेशंस लिए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए मुझे कि आपको क्या करवाना चाहिए लगेज वाले पार्ट को लेकर। अदरवाइज तो मुझे पता है क्या लगवाना है क्या नहीं, उसके लिए हमारे करण भैया ऑलवेज रेडी है। ये है सेवन वंडर वाला एरिया जो अजमेर में बन रहा है, सेवन वंडर। ये भी बहुत अच्छी जगह बनेगी जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिलहाल है हम मित्तल रोड पर, और ये रोड अपने में कहीं ना कहीं ऐसे बम्पी एरिया में बहुत फेमस है। आप जब आते हो तो सबको ऐसे ऊपर नीचे जाने का अच्छा लगता है। आज की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है बस कि वेदर बहुत अच्छा, वेदर ने मुझे बहुत खुश कर दिया। क्योंकि हमारा प्लान था आज का ब्लॉग बनाने का कि यार कुछ का शूट करना है पूरा, तो और ये है हमारे लेफ्ट में चौपाटी, और लेफ्ट चौपाटी इस जस्ट इसके जस्ट ऑपोजिट साइड थे हम जब हम वहाँ पे शूट कर रहे थे, सिनेमेटिक्स ले रहे थे, तो ये जस्ट इस तरफ है आना सागर लेक के चारों तरफ चौपाटी वाला माहौल है। आप कभी आओ तो वॉक के लिए घूमो, बहुत अच्छा लगता है और बहुत शांत माहौल होता है इधर। और अब पुष्कर के लिए हम लेंगे यहाँ से राइट लेंगे पुष्कर के लिए, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे घाटी वाला एरिया। आई होप कि आपको घाटी के सिनेमेटिक्स बहुत अच्छे लगेंगे। ये हमने राइट लिया, तो अब मैं एक काम करता हूँ, हम ज़्यादा बातें नहीं करते और ना आपको मैं ट्रैफिक दिखाता हूँ, अब हम मिलते हैं सीधा घाटी के सिनेमैटिक्स पे। हम पुष्कर घाटी तो उतर चुके हैं, जो मेन व्यू था पुष्कर घाटी का वो हो चुका है ख़त्म। तो अब यहाँ से कुछ कुछ जगह मैं आपको और दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से पहले एक बार एक स्टॉपेज लेंगे, ब्रेक लेंगे एक छोटा सा, उसके बाद में सबसे पहले हम जाएंगे सनसेट पॉइंट। सबसे पहले दिखाऊंगा आपको सनसेट पॉइंट, फिर वहाँ से हम मार्केट दिखाएंगे आपको पूरा, मार्केट होते हुए जाएंगे, और तो लास्ट में हमारा रहेगा ब्रह्मा टेंपल, क्योंकि बहुत फेमस है ब्रह्मा टेंपल। और फाइनल में सबसे अच्छी जो जगह आएगी मेरी फेवरेट, मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा और वहाँ हम हमारा ब्लॉग करेंगे ख़त्म। पुष्कर में हमने नूर भाई के खाली मैगी और कोल्ड ड्रिंक हो गई हमारी, ब्रेकफास्ट ज़रूरी था एनर्जी के लिए, क्योंकि पुष्कर में अब जब आते हो तो आपको राइट साइड पे नूर भाई की थड़ी मिलती है, जो कि यार बहुत अच्छी है, उनका नेचर बहुत अच्छा है, इसीलिए क्राउड भी यहाँ पे काफ़ी होता है। तो बस यहाँ की मैगी उठाई हमने और डाली पेट में,